देखिए, मेरे वार्ड में जो अभी इस वक्त काम अभी चल रहे हैं और कुछ ख़त्म हुए हैं, तो ये लोगों की सबसे ज़्यादा इसमें डिमांड होती है कि इलाके को किस तरह हम डेवलप कर सकें। और तकरीबन 2-2.5 सालों से हम यहाँ पर काम कर रहे थे, जहाँ जहाँ प्रायोरिटी पर होता था काम वहाँ पर करवा रहे हैं इस वक्त हम। तो इस वक्त जो हमारा मेरा जो वार्ड है इस वक्त महजूनगर, तो वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है। और जो बाकी पेंडिंग वर्क जो इसमें बाकी है, तो इंशाल्लाह आइंदा दिनों में वो भी हो जाएगा। तो अब लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रीवेंस है जिनके ड्रेनेज खराब है। देखिए, यहाँ पर लोगों ने कुछ ऐसे मसाइल होते हैं लोगों के, जो फिलफोर हल नहीं हो सकते, क्योंकि वो यहाँ पर ऐसी जगहों पर रहने के लिए गए हैं जो लो लाइन एरिया है। लोग यहाँ पर ज़मीन खरीदते हैं या कॉलोनी में जाते हैं, वो वहाँ पर ये नहीं देखते कि वहाँ पर ड्रेनेज है, वहाँ पर पानी की फैसिलिटीज़ है, बिजली की फैसिलिटीज़ है। तो ये यहाँ पर आबी अवल ज़मीन यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर रहने के लिए जाते हैं। लेकिन लोगों को भी चाहिए कि अगर आप किसी भी जगह रहने के लिए जा रहे हो, तो पहले आप देखो वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ है या नहीं, क्योंकि जब किसी ऐसे एरिया में जाते हैं, ना तो वहाँ पर ड्रेनेज होती है, ना तो वहाँ पर पीने का पानी होता है, ना तो वहाँ पर बिजली होती है, और फिर वो उनकी सबसे ज़्यादा ग्रीवेंस होती है, और उन चीज़ों को हल करने में काफ़ी वक्त लगता है। वार्ड के लिए, अपने लोगों के लिए फ्यूचर प्लान होगा अब मेरे वार्ड में या इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो लोगों का काम है, जो लोगों की ग्रीवेंस है, हम उसमें पूरा किस तरह खरा उतरे, और लोगों के जो मुश्किल हैं उन मुश्किलों का हल किस तरह हम निकाल सकें। और ज़्यादातर तरजीह मैं इस वक्त ज़्यादा दे रहा हूँ डेवलपमेंट से ज़्यादा। डेवलपमेंट तो हो रही है इस वक्त, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट से ज़्यादा यहाँ पर नौजवानों को किस तरह रोज़गार मिल सके। तो देखिए, ये लोगों का काम है। लोगों ने जब पिछली बार हमें चुना, तो डेवलपमेंट काम के लिए चुना था। आज लोग यहाँ पर काफ़ी हद तक तो खुश हैं। अगर लोग चाहेंगे कि उनको ज़रूरत है मेरी, तो वो लोग चुनेंगे। अगर लोगों को लगेगा कि हमें अब और काम यहाँ पर करवाना है या पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करवाना है, तो इंशाल्लाह आगे भी करेंगे हम। तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के लिए ही आ गए। क्योंकि मैं भी एक ग्रास रूट लेवल से एक वर्कर था, तो मैंने यहाँ पर लोगों की तकलीफें देखी, लोग किस हालत में, किस परेशानी में थे यहाँ पर लोग। तो उसको मद्देनज़र रखकर जो हमने यहाँ पर काम शुरू किए, तो लोगों की भलाई के लिए और यहाँ की डेवलपमेंट के लिए,